संसद के मानसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे के बीच सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया, लेकिन खास बात ये रही कि दिल्ली पुलिस ने बाद में इस ट्रैक्टर को ही जब्त कर लिया। दरअसल संसद के मानसून सत्र के कारण इस इलाके में धारा 144 लागू रहती है। ऐसे में राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। राहुल गांधी तो संसद भवन में चले गए, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला श्रीनिवास बीवी को हिरासत में ले लिया, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 6 लोगों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए जाने के बाद रणदीप सुरजेवाला का कहना था कि वे पुलिस का सहयोग करेंगे, लेकिन बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने उस ट्रैक्टर को भी अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रदर्शन की इजाज़त नहीं ली गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल ये ट्रैक्टर केस की प्रॉपर्टी है। इस ट्रैक्टर के आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली इलाके में ट्रैक्टर चलाने और लाने पर पहले से ही पाबंदी है। ऐसे में ये मोटर एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है। दिलचस्प बात यह है कि सांसद सत्र के दौरान नई दिल्ली इलाके खासतौर पर सांसद के पास धारा 144 लागू रहती है। दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियों को गच्छा देते हुए राहुल गांधी लंबी दूरी तक ट्रैक्टर चलाते हुए संसद भवन तक पहुंच गए। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया।